चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और उनके कुछ तरह उनके आंसर विस्तार में बताए जा रहे हैं। याद रखिए, इस तरह के हम लोग 10 टेस्ट खत्म कर चुके हैं, ये आपका 11वां टेस्ट है। और याद रखिए, ये सभी क्वेश्चंस उन सभी परीक्षाओं के लिए जरूरी रहेंगे जिनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हों, फिर चाहे आपका SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, या इस तरह के और भी वनडे एग्जाम हो, उन सब के लिए जरूरी रहेंगे। ठीक है, तो कई लोगों का कहना है कि वो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, उन्हें पता नहीं चलता है, तो याद रखिए। वैसे आपको बता दूं कि सुबह आपका सिविल सर्विस और स्टेट PCS को ध्यान में रखते हुए आपकी टेस्ट आ रहा है, और शाम के टाइम आपका आ जाता है वनडे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। या फिर आप लोग ऐसा करिए कि जो बेल आइकन है, इसे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी लेक्चर आएगा आपका, आप तक नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए 11वें टेस्ट का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए? 1802 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसाई की जो संधि हुई थी, इसमें किसने हस्ताक्षर किए थे? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि बाजीराव द्वितीय ने। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। ये वसाई की संधि आप याद रखिए कि 31 दिसंबर 1802 में हस्ताक्षर हुए थे। एक तरफ आप देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ बाजीराव द्वितीय थे, इन दोनों के बीच हुई थी ये संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया? भारत में सहायक गठबंधन या सहायक संधि किसने शुरू की? तो ये थे लॉर्ड वेलेस्ले, बी ऑप्शन सही है। और सहायक गठबंधन या इसे सहायक संधि भी कह देते हैं, इसकी शुरुआत लॉर्ड वेलेस्ले ने की थी, और बे 1798 से 1805 तक, 1798 से 1805 तक गवर्नर जनरल रहते हैं, 1805 तक। ठीक है, याद रखिए। हैदराबाद, आप जानते हैं कि हैदराबाद का निजाम इसमें सबसे पहले शामिल हुए थे, और इसके मैसूर और अवध के नवाब भी इसमें शामिल हुए थे। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद के निजाम ने। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो आपको मालूम होना चाहिए कि चार्टर अधिनियम के द्वारा, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। एक बात और आपको यहाँ जानकारी दे दें, जो 1813 का हुआ था, इसमें आपका चाय और चीन को छोड़कर बाकी सभी एकाधिकार व्याप्त कर समाप्त कर दिए गए थे, लेकिन चीन और चाय से ये आपका चार्टर अधिनियम 1833 के में हुआ। क्या हुआ? चार्टर अधिनियम 1833 के चार्टर के तहत एकाधिकार इसका खत्म कर दिया गया। अगर आपसे पूछे चाय और चीन को छोड़कर, तो आप लोग क्या लगाएंगे? इसे चार्टर अधिनियम 1813 को। और पूरी तरह से अगर हम बात करें तो चार्टर अधिनियम 1833 के तहत पूरी तरह से इसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? देखिए, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आप लोगों के जो सरल क्वेश्चन होता है, बहुत ही साधारण क्वेश्चन होता है, उसे और जल्दी हम लोग गलत कर बैठते हैं। इसमें होगा आपका सरोजनी नायडू। वैसे अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी, तो आप लगाएंगी एनी बेसेंट। क्या लगाएंगी? एनी बेसेंट। अगर पूछे आपसे कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप लोग लगाएंगे सरोजनी नायडू, भारतीय महिला, याद रखना। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, और वे कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनसे पहले एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बन चुकी हैं, लेकिन ये भारत की नहीं थी। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये थे हमारे लाला लाजपत राय साहब।
लाला लाजपत राय साहब। और याद रखिए, संगठन आपका सबसे पुराने संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना की बात करूं तो 31 अक्टूबर 1920 के करीब इसका बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी, और बाद में यह गठबंधन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ रहा रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? आप जानते होंगे कि ये हुआ 7 सितंबर 1931 को। यही एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस की तरफ से किसी प्रतिनिधि यानी कि गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है हमारा अगला, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो आपको मालूम होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। बी ऑप्शन आपका सही है। केसरी समाचार पत्र की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक साहब ने की, और केसरी अखबार मराठी में विकसित हुआ था, जबकि जो मराठा अखबार था ये अंग्रेजी में विकसित हुआ था। केसरी और मराठा दोनों किसके किसके अखबार हैं, किसने निकाले थे? बाल गंगाधर तिलक साहब ने। और एक बात और बताऊँ आपको, किरण सामान्य ज्ञान को हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं, वैसे लूसेंट को भी कवर किए हुए हैं, लेकिन आपको यही सलाह दूंगा कि आप लोग किरण सामान्य ज्ञान बुक्स को पढ़ें, क्योंकि उसमें विस्तार में बताया गया है और आपका वन डे एग्जाम कवर हो जाएगा। उससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन आपका जाएगा, तो उसे हम लोगों ने कवर किया हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट सूची में जाइए, आपको मुझे लगता है कि DS का पूरा पार्ट मिल जाएगा। कंप्यूटर देख लीजिए, अलग से पूरा विस्तार से बात की हुई है, आपके 25 के करीब टेस्ट भी लिए हुए हैं, और कम से कम आप सोचिए कि 1000 से कितने, कम से कम 1000+ तो क्वेश्चंस होंगे, 1000-1200 इतने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा चुका हूँ, बहुत कुछ मटेरियल दे चुका हूँ। GS के लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन टेस्टों को लगाते रहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि किताबें कितनी ही पढ़ लें, अगर हमने मॉक टेस्ट नहीं दिए तो हम बेहतर स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें मालूम चल जाता है मॉक टेस्ट देने में कि किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे बनेंगे, किस तरह से पूछे जाएंगे। ठीक है, उन्हें पढ़ लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? ढाका में। ए ऑप्शन सही है, इसकी स्थापना 1906 में की गई थी, और यह अलीगढ़ आंदोलन से उभर कर आई है। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों का अधिकारियों की रक्षा करना था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, 1924-25 के बेकोम सत्याग्रह में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जो 1924-25 में बेकोम सत्याग्रह हुआ था, इसमें किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ये थे के किलाप्पन। यह सत्याग्रह तैवनकोर में छुआछूत के विरुद्ध था, और गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना प्रार्थना पर अनशन पर समाप्त किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1867 में नब गोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर की थी? 1867 में हिंदू मेला की स्थापना कहाँ की थी इन्होंने, नब गोपाल मित्रा ने? ए कलकत्ता में की थी। कहाँ? कलकत्ता में। ए ऑप्शन सही है, इसे चैत मेला के नाम से भी आप लोग जानते हैं, या राजनारायण बासु, द्वि जैनंद्रनाथ टैगोर, नब गोपाल मित्रा के संयुक्त प्रयास का ही परिणाम रहा है। ठीक है, कलकत्ता क्या लगाएंगे आप लोग? ए ऑप्शन सही लगाएंगे। याद रखिए, आंसर शीट आप लोग बड़े ध्यान से लगाया करिएगा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि क्वेश्चंस आते हुए भी गलत कर बैठते हैं, और आप जानते हैं कि एक बार अगर आपने आंसर शीट में जो भी लगा दिया टिक, फिर वो बदलने वाला नहीं है किसी भी हालत में। तो इससे आप लोग बड़े चौकंदे होकर लगाया करिएगा, और आप जानते हैं सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब क्वेश्चन सही आ रहा हो और फिर भी हम लोग गलत कर बैठते हैं, और फिर एक ही दो नंबर से आप लोग रह जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये थे शंकर नायर, शंकरण नायर।
जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकर नारायण ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। अगर आपको बताऊं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो ये आपकी घटना है 13 अप्रैल 1919 की। ये भी आपका कई बार पूछ लेता है कि कब हुई थी ये, 13 अप्रैल 1919 में। देखिए अब क्वेश्चन सी बन के आ गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना किस दिन घटी, क्या बताएंगे आप लोग? 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन सही हो। ये आपका अमृतसर के जलियांवाला बाग में घटी थी, अमृतसर में पंजाब। इस दिन क्या हुआ था कि लोग रॉलेक टेक्टाया हुआ था उसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड मतलब बाग में एकत्रित हुए थे। वहीं जनरल डायर ने गोली चलवा दी, उसी का ही परिणाम रहा। क्वेश्चन है हमारे सामने, गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुई? तो ये हुई थी आपकी उर्दू में। किसमें? उर्दू में। 1913 में गदर पत्रिका का प्रकाशन होता है, उर्दू भाषा में होता है। उसके पश्चात इसे अंग्रेजी, पंजाबी, पश्तू इस तरह की भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता है। सबसे पहले लेकिन ये उर्दू में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारे, चंद्रशेखर आजाद की शहादत किस तारीख को हुई? सत्ताईस फरवरी 1931, 27 फरवरी 1931। अगर आपसे पूछे चंद्रशेखर साहब का जन्म कब हुआ, 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था, और वे शहीद हुए थे इलाहाबाद, आपने सुना होगा चंद्रशेखर पार्क भी, अगर आप कभी जाएं तो वहां देखें, घूम के आए, बढ़िया पार्क है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा अगला, भारत में पहली बार जनगणना कब की गई? ये क्वेश्चन आपका कई बार बन चुका है, कई परीक्षाओं में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में वैसे पहली जनगणना आपकी 1872 में की गई थी। कब? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल से। ठीक है, ये भी पूछ लेता है किसके काल से हुई, लेकिन आप नियमित रूप से देखेंगे, व्यवस्थित तरीके से देखेंगे, 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय से। तो आपको अगर पूछे कि नियमित जनगणना कब से शुरू हुई व्यवस्थित तरीके से, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से। और अगर आपसे सामान्य तरीके से पूछे कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आप लगाएंगे 1872, लॉर्ड मेयो के समय से। ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? भारत की प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो ये थे हमारे अवनिंद्र नाथ टैगोर साहब, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? जो नीचे पुस्तकें दी गई हैं, इनमें कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी? हिंद स्वराज। कौन? हिंद स्वराज। ये आपकी 1909 में महात्मा गांधी साहब ने लिखी थी, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में इसमें बहुत विस्तार से बताया गया था। क्वेश्चन है हमारा अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के ठीक पहले कौन सी घटना घटी थी? आप सभी जानते होंगे कि रॉलेट एक्ट का पारित होना इसी के विरोध में तो की गई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो भीड़ जमा हुई थी इसी का विरोध कर रही थी। ये रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 में इंपीरियल विकास विधान परिषद द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। और याद रखिए इसमें क्या रहता था कि किसी को भी गिरफ्तार करके 2 साल तक बिना किसी निर्णय के रखा जा सकता था जेलों में। तो आप समझ सकते हैं कि 2 साल बहुत टाइम होता है, और इतने टाइम में क्रांतिकारियों को अगर मुख्य मुख्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तो कोई आप समझ सकते हैं पूरी तरह से आंदोलन ठंडा पड़ जाता। इसी के विरोध में आपने देखा है कि कई आंदोलन भी हुए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद हुआ था जस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी?
निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? आप जानते हैं, तुर्की में क्रांति। तुर्की में क्रांति एक खिलाफत आंदोलन इसलिए चलाया गया था क्योंकि आप जानते हैं कि 1914 से 1918 तक पहले यानी कि महायुद्ध चलता है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। और उसमें क्या है कि तुर्की के बारे में अंग्रेजों ने ये कहा था कि मैं वहाँ के जो भी खलीफा होंगे उनके पद से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनके सम्मान को हानि नहीं पहुँचाएंगे। और आप जानते हैं कि मुस्लिम तुर्की के जो खलीफा थे इन्हें अपना जगत गुरु मानते थे, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इसका पालन नहीं किया, उनके सम्मान को ठेस पहुँचाया। इसी के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। और 1922 में तुर्की के मुस्तफ़ा जो कमाल पाशा थे इनके नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की में धर्म निरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की की सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। क्वेश्चन है अगला, शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया था, उस परिषद का नाम क्या था? ये आपका कई बार क्वेश्चन बता भी चुका हूँ, इसका नाम था अष्ट प्रधान। क्या था? अष्ट प्रधान। इसमें आपके शिवाजी महाराज की प्रशासन को सुचारू यानी कि अच्छे से चलाने के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी, से अष्ट प्रधान भी कह देते हैं। इस परिषद की स्थापना आपकी 1674 में की गई थी, 1674 AD में, ठीक है, ईस्वी में। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला क्या है कि 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? इसमें हुए थे राजेंद्र प्रसाद साहब, जो बाद में आपने देखा है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ। और याद रखिए, चंपारण सत्याग्रह के बाद ही गांधी जी यानी कि चर्चा में आए और हर कोई इन्हें जानने लगा। महात्मा गांधी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ आप बात करेंगे तो जैसे बिजकिशोर प्रसाद हो गए, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह या जेबी कृपलानी, ये सभी उनके साथ गए हुए थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह बिहार में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1928 में पहली बार भारत के लिए संविधान का मसौदा भी आपने देखा होगा तैयार हुआ, वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? ये मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1929 में आपने देखा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आपको मालूम होना चाहिए कि अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें जानते हैं आप लोग कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो धड़ों में बट चुकी थी, गरम दल नरम दल, इनके बीच समझौता करवाया गया, एक मंच पर लाया गया इसे। और आपने देखा होगा इसी मतलब अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी ऐतिहासिक, जिसे आप लोग लखनऊ समझौता कहते हैं, ये भी हुआ है। कई बार पूछ लिया है कि लखनऊ समझौता कब हुआ और किस किस के बीच हुआ, तो याद रखिए 1916 में हुआ था, मुस्लिम लीग और आपका कांग्रेस के बीच। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था? 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है उसके लिए गांधी जी ने किसे चुना था? विनोबा भावे, और पहले व्यक्ति थे इसमें शामिल होने वाले, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सभी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव भी दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू इसमें दूसरे सत्याग्रही थे, तो जवाहरलाल नेहरू सेकंड नंबर पर, ठीक है, याद रखिए। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? ये थे मुस्लिम लीग। कौन थे? मुस्लिम लीग, ये वही मुस्लिम लीग है जिसकी स्थापना 1906 में होती है। इसका उद्देश्य मैंने यही था कि हिंदू मुस्लिम दंगे उत्पन्न करके यह सिद्ध करना है कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकते हैं
और अलग से इनके लिए एक देश होना चाहिए। बाद में आपने देखा कि पाकिस्तान बना भी है मुस्लिमों के लिए एक देश। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? 1893 में गणपति त्योहार किसने शुरू किया था? तो ये थे लोकमान्य तिलक साहब, लोकमान्य तिलक साहब। उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद धीरे धीरे पूरे देश में भी ये मनाया जाने लगा। क्वेश्चन है अगला हमारे सामने, वर्नाकुलर फ्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये थे लॉर्ड लिट्टन। भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिट्टन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया, और इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी जो भी अखबार थे, सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था, और सभी जो राष्ट्रवादी यानी कि राष्ट्र के हित में जो बात करते थे उन सभी पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके तहत अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले किस अखबार पर लगाया गया था, तो सोम प्रकाश पर, सोम प्रकाश। क्वेश्चन है अगला, 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जब आपने देखा है कि ये दो भागों में बट गया था, गरम दल नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हुआ गया, तो इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। तो आपसे पूछे कि गरम दल और नरम दल में विभाजन कब हुआ, तो ये 1907 की बात है, सूरत अधिवेशन की, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। क्वेश्चन है हमारे सामने, मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? तो आप जानते हैं कि बीपी वाडिया, बीपी वाडिया। मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत था, इसकी स्थापना बीपी वाडिया साहब ने की थी, वी कल्याण सुंदम के साथ मिलकर। क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? अब ये बता चुका हूं ना, मद्रास लेबर यूनियन। ठीक है, इसकी स्थापना आप 1918 में की गई थी, बीपी बाड़िया ने, बीपी बाड़िया ने। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बारो के कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरो के कार्यकाल के दौरान किस अधिनियम को के द्वारा दास्ताओं को गैर कानूनी घोषित किया गया? ये था अपने अधिनियम 4-5। एक याद रखिए, एक गवर्नर जनरल जो लॉर्ड एलन बोरो थे, इनके कार्यकाल के दौरान 1843 में अधिनियम 4, सॉरी 5, अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया गया था, गैर कानूनी घोषित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन हमारे सामने, 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन व प्रकाशन किसने किया था? 1861 में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन किसने किया था? तो ये थे मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर, मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने कलकत्ता से इसका प्रकाशन किया था, कहाँ से? कलकत्ता से। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? तो इसकी की गई थी, आपने देखा है कि 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 को प्रधानमंत्री जो द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखिए, इसके अपकाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा, क्योंकि आपने देखा है कि नीति आयोग जब से आया हुआ है, योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया, और नीति आयोग जब से हटा है, सॉरी आया है, और योजना आयोग जब से हटा है, तो इसके काम पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। अगर नीति आयोग की बात करें कि कब आया, तो 1 जनवरी 2015। ठीक है,
नीति आयोग, याद रखिए। 1 जनवरी 2015, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री साहब होते हैं, चेयरमैन। और इसका हेडक्वार्टर आप लोग दिल्ली में देखेंगे, न्यू दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब ने। ये 26 जुलाई 1876 को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ टैगोर साहब ने। और 1885 में संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था, 1885 में। आप जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, उसी समय इसमें विलय कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, देख रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। क्वेश्चन है हमारे सामने, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक कौन है? बाकिम चंद चटर्जी, बाकिम चंद चटर्जी। ये आनंद मठ उपन्यास की रचना बाकिम चटर्जी ने, चंद चटर्जी ने 1852 में की थी। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान के सन्यासी विद्रोहों पर आधारित ही है। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो यह आपका 5 मार्च 1931 को किए गए थे, 5 मार्च 1931 को। इस समझौते में आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी उस समय के जब तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, इन दोनों के बीच समझौता हुआ था। यह समझौता आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले हुआ था। इसी के बाद आपने देखा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी, महात्मा गांधी जी भाग लेने के लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? निम्नलिखित में से किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई? तो ये था 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। महज आप समझ सकते हैं कि 23 साल की उम्र में इन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया था, फांसी। आजकल आप देख रहे हैं कि 30 साल में भी लोगों के अंदर बचकाना भरा रहता है, और इन्होंने 23 साल में देश के लिए शहीद हो गए। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिलती है जितनी हम लोग सोचते हैं। आज हम लोग कई युवाओं ने इसमें जान दी, जिनकी उम्र आप सोचिए कि कितनी थी। कई लोगों ने 14 15 15 साल में भी शहीद हो गए देश के लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को 3 लोगों को फांसी दी गई थी, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव साहब को। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। ए ऑप्शन सही है। आपने देखा होगा कि इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। क्वेश्चन है हमारा अगला, 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट ने। और इसने, मैं देखा होगा, 1916 में ही बाल गंगाधर तिलक के साथ होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी एनी बेसेंट ने मिलकर। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, क्या है क्वेश्चन? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? साइमन कमीशन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत आया था? तो ये था लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को आप जानते हैं कि 3 अप्रैल 1926 को, 1926 को भारत का वायसराय व गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। और 1927 में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टेफोर्ड किप्स की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन करते हैं। इस आयोग का उद्देश्य था कि 1919 के सुधारों, जो अधिनियम था उसमें सुधारों का अध्ययन करना था। ठीक है, तो ये थे लॉर्ड इरविन। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या है?
मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? तो ये आप जानते होंगे कि कराची अधिवेशन था 1943 का, 1943 का। मुस्लिम लीग के बारे में कई बार बता चुका हूँ, इससे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जा चुके हैं। इसकी स्थापना होती है 1906 में ढाका में, ठीक है, और ये मोहम्मद अली जिन्ना साहब इसी संगठन के प्रमुख नेता थे, और इन्होंने ही अलग मुस्लिमों के लिए अलग अलग देश, अलग देश बनाने की बात की, बाद में आपने देखा कि बना भी है, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? तो ये था लाहौर, लाहौर, जो मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। और पाकिस्तान की अगर नामकरण की बात करें तो चौधरी रहमत अली साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का नाम लिया था, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तिका जारी की थी? ए है राजकोट, क्या है राजकोट, सी ऑप्शन सही है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की? इसकी शुरुआत तो होती है 1915 से, कब से, 1915 से, और आप जानते होंगे कि अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है आश्रम, और 17 जून 1917 को ये बनकर तैयार हुआ है, और मार्च 1930 में आपने देखा होगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत इसी आश्रम, साबरमती आश्रम से शुरू हुई थी आपकी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे स्मारक कौन सा है? हम्पी, क्या हम्पी, आपको मालूम होना चाहिए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है 1336 में हरिहर प्रथम और उसके भाई बुक्का राय प्रथम ने की थी, हरिहर बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य में आप चार राजवंश देखेंगे, संगम, सालो, तुलो और अरविंद, इन्होंने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इसके साम्राज्य के अवशेष आपको कर्नाटक के हम्पी में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, चोरी चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चोरी 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 चोरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? असहयोग आंदोलन। आपको मालूम होगा कि 5 मार्च 1922 को गोरखपुर के निकट चोरी चोरा नामक स्थान पर आपने देखा है कुछ आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। इस घटना में कहा जाता है कि 22 पुलिस कर्मी शहीद हो गए थे, यानी कि मारे गए थे उसमें, और इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था, ठीक है, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे इस आग में। इस पर आपने देखा होगा गांधी जी की कई मतलब तरह से बुराई भी की गई। निम्नलिखित में से किस अध्यात्मक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? निम्नलिखित में से किस अध्यात्मिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? तो आप जानते होंगे कि रामकृष्ण परमहंस, आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। आप जानते होंगे कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, और आपने देखा है उनके नाम पर ही स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की हुई थी आगे, रामकृष्ण मिशन की। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? इस पर पीछे भी हम लोग बात कर चुके हैं पिछली आपके टेस्टों में, ये था बेलगाम, 1924 की बात है। याद रखिए इसमें केवल एक बार ही अपने जीवन काल में कांग्रेस की अध्यक्षता की है महात्मा गांधी ने, ये 1924 के बेलगांव अधिवेशन में की थी केवल, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे सामने अगला, जहांगीर निम्नलिखित में से किस इंग्लिश खान कहता है? जहांगीर निम्नलिखित में से किसे
इंग्लिश खान कहता है, तो ये था विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक समुद्री जहाज में भारत की यात्रा पर 1607 के करीब रवाना होता है। वह अगस्त 1608 के करीब सूरत में पहुंचता है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर। इसकी पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, तो उसे आप लोग देखते रहिए और पुराने जो भी टेस्ट हैं उन्हें भी लगाते रहिए, सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग 12वें टेस्ट में आपके साथ।